Hello student, good morning. How are you? I hope that you will be happy. आज जो है मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ. प्रीवियस क्लास में मैंने जो है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था. आज जो है मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ. पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जाएगा, यानी वो काम क्या हुआ वो चालू हुआ है, लेकिन वो कुछ समय तक वो काम चलता रहा. वो दो दिनों से पढ़ती रही थी, वो दो दिनों से पढ़ती रही थी, वो दो घंटों से काम करता रहा था. ठीक है, वह ये जो है पता चल रहा है कि काम क्या हुआ पास्ट टेंस में हुआ, क्योंकि यहाँ पे खाया हुआ है. और एक बार दो घंटों से नहीं क्या ये जो है कुछ समय तक ये काम जा रहा है. ऐसे वाक्य जो है हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं. एग्जांपल, वह दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था. मैं सुबह से खाना ला रही थी. वे लोग दो दिनों से दिल्ली पहुंच रहे थे. वह दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा था, वह दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा था. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये काम क्या हुआ पास्ट में हुआ, यानी वह भूतकाल में ये काम शुरू हुआ है और कुछ समय तक ये काम हुआ है. यहाँ पे समय भी नहीं क्या हुआ कि दो घंटों से वह दो घंटों से क्रिकेट खेल रहा था. वह मैं सुबह से खाना ला रही थी. वे दो दिनों से दिल्ली पहुंच रहे थे. आप दो सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहे थे. ये जो भी सेंटेंस हो गया ये सब जो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें जो है ये काम जो है वो क्या पास्ट टेंस में शुरू हुआ है और अभी भी क्या हुआ ये जो है कुछ समय तक ये काम जारी रहा है. इसलिए इसे जो हम लोग बोलते हैं वो कौन सा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब इसका जो है स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं. अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इसका होता है सकारात्मक वाक्य होता है. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर
वन फोर। सब्जेक्ट हुआ हेड हुआ प्लस बीन हुआ प्लस नॉट फोर हुआ प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस अदर्स। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर्स। एग्जांपल, राधा दो दिनों से गिफ्ट गा रही थी। राधा दो दिनों से गीत गा रही थी या राधा दो दिनों से गीत गाती रही थी, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। राधा दो दिनों से गीत गा रही थी जिसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा है। इसके बाद एड बीन का यूज करना, इसके बाद क्या है? वर्ब का पूर्व फॉर्म है। तो वर्ब का पूर्व फॉर्म क्या होता है? वर्ब में जो है हम लोग आईएनजी को ऐड कर देते हैं तो क्या वर्ब का जो होता है पूर्व फॉर्म हो जाता है। ऑब्जेक्ट सॉन्ग है, सेंस या फॉर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये लग रहा है कि कहा हम लोग सेंस का यूज करेंगे और कहा हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो फॉर निश्चित श्योर टाइम के लिए हम लोग जो है श्योर टाइम के लिए हम लोग जो है सेंस का यूज करते हैं, अनश्योर टाइम के लिए जो है हम लोग जो है फॉर का यूज करते हैं। जैसे दो दिनों से, ये टाइम फिक्स नहीं है कि कब से ये हुआ, कब तारीख डेट इसका पता है नहीं पता है कि कौन सा अवधि, यहाँ पे जो है ये अनिश्चित हो जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। वही बोलते हैं सोमवार को, तो ये काम क्या हुआ हमें पता चल जा रहा है कि ये काम जब भी हुआ क्या हुआ सोमवार को हुआ है, ठीक है फिक्स टाइम है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए जो है सेंस के यूज होता है, जो अनफिक्स होता है उसके लिए जो है फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है दो दिनों से, इसका कोई डेट निर्धारण नहीं है, इसलिए क्या हुआ ये जो है अनिश्चित होगा। तो राधा सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा है। राधा हेडविन, राधा हेडविन, राधा हेडविन। वर्ब क्या है ये? सिंग है, सिंगिंग। राधा हेडविन सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर टू डेज, फॉर टू डेज। और क्या होगा? टू डेज। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, विलू दो सप्ताह से खिलौना खरीद रहे थे, तो वे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है, दे हैड बीन, दे हैड बीन, दे हैड बीन। अब क्या खरीदने का क्या होता है? वर्ब है, तो वर्ब का क्या यहाँ पे जो है खरीदने का जो होता है बाई होता है, इसमें आई एन जी एड कर देंगे बाई। दे हैड बीन बाइंग टॉय। अब क्या है दो सप्ताह से, ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, फॉर टू वीक्स, फॉर टू वीक्स। इस तरह से जो है आप जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। कल जो है मैं आप लोगों को इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। दैट ऑल।